हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड की ओर से दिसंबर क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड, दोनों रिजल्ट आउट हो चुका है। और गाइस, कुछ ही टाइम पहले ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ है और लिस्टिंग होने के बाद फर्स्ट टाइम कंपनी रिजल्ट पेश किया है पब्लिक से, पब्लिक में। और अगर हम बात करें नंबर लैक्स में, पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। इनकम है 280.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 178.8 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 275.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है, लेकिन एक्सपेंसेस हुआ 273.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 186.7 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 284.2 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जो कि इस बार के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस बहुत कम हो रहा है। इस कंपनी पर पहले लॉसेस हो रही थी, लेकिन इस बार कंपनी को प्रॉफिट की ओर बढ़ता हुआ नजर आया है। 6.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 8.2 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 8.5 करोड़ का लॉस है। और पिछले क्वार्टर में 8.2 करोड़ का लॉस है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में बहुत ही स्ट्रांग जंप हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4.8 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 6 करोड़ का लॉस है और दिसंबर 22 क्वार्टर में 6 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस इस बार का 0.62 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइज, कंपनी का कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश किया, क्योंकि इनकम और प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज किया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपनी का स्टैंडर्ड ऑन फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करें, इनकम है 279.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 173.3 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 274.5 करोड़ का इनकम है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। लेकिन एक्सपेंसेस इस बार हुआ है 273 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 180 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 278.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जबकि एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया, जिसके कारण प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 6.9 करोड़ का लॉस है और दिसंबर 22 क्वार्टर में 4 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 4.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4.9 करोड़ का लॉस है, दिसंबर 22 क्वार्टर में 2.9 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का 0.59 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है। तो गाइस, कंपनी का जो रिजल्ट आया कंसोलिडेटेड हो या स्टैंड अलोन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि इस कंपनी को पहले लॉसेस हो रही थी, लेकिन इस बार कंपनी लिस्टिंग होने के बाद कंपनी फर्स्ट टाइम प्रॉफिट की ओर बढ़ता हुआ नजर आया है। और एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए कि कंपनी अब आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो गाइस, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इसके शेयर्स को होल्ड कर रखे हैं, तो मैं कहूँगा आप इसको होल्ड कीजिए गाइस, क्योंकि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल भी है, प्लस कंपनी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट भी पेश किया है। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।